वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम बनाने वाले हैं रेडियल ऑयल पंप की असेंबली, जो कि इसमें सारे पार्ट्स एक जगह पे असेंबल होंगे। कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा वो आप ध्यान से देखिए। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और आगे शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यू सिलेक्ट असेंबली, इंसर्ट कंपोनेंट, ब्राउज, और हमें जाना है, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है रेडियल पिस्टन पंप का, जिसमें सारे पार्ट यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे मेन बॉडी। सिंपली आपको आई वाले आइकॉन पे जाके UCS ओरिजिन पॉइंट, इसे बोल सकते हैं, इसको सिलेक्ट करना है, एंड देन इन दोनों को मिला देना है, तो वो प्रॉपर पोजीशन पे सेट हो जाएगा। फिर से आई बटन पे जाके इसको ऑफ कर दीजिए। इसका बैकग्राउंड प्लेन वाइट रख लेते हैं हम। फिर से इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है, ब्राउज, और हमें सिलेक्ट करना है ये बॉल। ओके, बॉल को हमें इस होल के अंदर ले जाना है, तो इसके लिए सिलेक्ट करेंगे मैट। सिलेक्ट दिस बॉल एंड सिलेक्ट दिस होल एक्सिस लाइन। कोसेंट्रिक रिलेशन, ओके। इस बार जाना है आपको, ये फेस सिलेक्ट करनी है, फेस सिलेक्ट करके बॉल का टॉप प्लेन हमें सिलेक्ट करना है, और इसको इसका डिस्टेंस रहेगा 0.5। फ्लिप साइड, ओके। फिर से जाना है इंसर्ट कंपोनेंट, ब्राउज में जाके वॉशर, सिलेक्ट मेट, दिस सिलेक्ट दिस डायमीटर एंड दिस होल, कोसेंट्रिक रिलेशन, ओके। फिर से सिलेक्ट करनी है ये फेस एंड वॉशर बॉटम फेस। सिलेक्ट करनी है ये टॉप फेस एंड वॉशर टॉप फेस, एंड देन ओके। एक्चुअली इसके अंदर अभी ये जो बॉल लगा है, इसके नीचे स्प्रिंग आती है, वो स्प्रिंग मैंने क्रिएट नहीं की है इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, ये प्रोजेक्ट बनाने में ही बहुत दिन निकल गए हैं, और आपको वीडियो देने में ही बहुत टाइम निकल गया, क्योंकि मुझे टाइम मिलता नहीं है, इसकी वजह से वीडियो बहुत लेट आपको मिलते हैं। तो मैंने ये स्प्रिंग इसके नीचे अभी आपके लिए आपको लगा के दिखाई नहीं है, बाकी इसके नीचे स्प्रिंग लगानी ज़रूरी होती है। तो अब हम करेंगे
सर्कुलर कंपोनेंट पैटर्न। तो इसमें कंपोनेंट कौन सा सिलेक्ट करना है, एक तो बॉल करना है और ये वॉशर। फेस कौन सी रहेगी, इनर। और पैटर्न रहेंगे तीन। फिर से जाएंगे इंसर्ट मेनू में, इंसर्ट कंपोनेंट में, ब्राउज, और इस बार हमें प्लंजर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट मैट, सिलेक्ट दिस होल एंड सिलेक्ट दिस होल। रिवर्स कोसेंट्रिक रिलेशन, ओके। फिर से हमें क्या करना है, सिलेक्ट करनी है ये इनर होल एंड दिस होल, ओके। कोसेंट्रिक रिलेशन, इसको अंदर लेना है। अब हम वापस सिलेक्ट करेंगे अंदर वाली फेस, सिलेक्ट दिस फेस, दिस होल एंड दिस होल, ओके। सिलेक्ट दिस फेस एंड दिस फेस, कोइंसिडेंट रिलेशन, ओके। अब इसको भी हम सर्कुलर कंपोनेंट पैटर्न में जाके सिलेक्ट करेंगे दिस बॉडी, थ्री नंबर ऑफ पैटर्न एंड सिलेक्ट दिस सर्कल। तो हमारे ये तीनों प्लंजर यहाँ पे अपने पोजीशन पे सेट हो चुके हैं। अब हमें जाना है डिज़ाइन लाइब्रेरी में, टूल बॉक्स, और जाना है SKF बेरिंग, बॉल बेरिंग। रेडियल बॉल बेरिंग को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो हमें बेरिंग कौन सी चाहिए, 6205, क्योंकि हमने ये जो होल है इसका डायमीटर हमने 52 रखा है। नंबर ऑफ बॉल फुल, डिस्प्ले डिटेल, एड केज, यस, सो बॉल फुल एंड देन ओके। एस्केप की प्रेस, गो टू मेट, सिलेक्ट दिस इनर फेस एंड दिस बेरिंग आउटर फेस, कोसेंट्रिक रिलेशन, ओके। बेरिंग बॉटम फेस सिलेक्ट करनी है हमें, और मेन पार्ट है, मेन जो बॉडी है उसका, उसकी ये फेस, कोइंसिडेंट रिलेशन, ओके।
इनसेट कंपोनेंट ब्राउज, इस बार हम असेंट्रिक शाफ्ट को इंसर्ट करेंगे। गो टू मेट, सिलेक्ट दिस बेयरिंग इनर होल एंड दिस शाफ्ट आउटर होल, रिवर्स डायरेक्शन, ओके। सिलेक्ट दिस फेस, एंड सिलेक्ट दिस फेस, मेक रिलेशन कोइंसाइड। फिर से डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाके फिर से वही बेयरिंग हमें इंसर्ट करनी है, क्योंकि दो बेयरिंग लगने वाली है यहाँ पे। सब कुछ एज इट इज रखना है, सिर्फ ओके पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने सारी बेयरिंग की डिटेल ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। तो सिलेक्ट करना है मेट and this shaft diameter and this bearing hole, make relation concentric। फिर से select कीजिए this face and this face, okay। insert component, अब हम इंसर्ट करने वाले हैं पिस्टन। सिलेक्ट मेट, सिलेक्ट दिस होल एंड शाफ्ट पिस्टन डायमीटर, रिवर्स पोजीशन। सिलेक्ट दिस फेस एंड दिस शाफ्ट डायमीटर, कोइंसाइड रिलेशन एंड देन ओके। सिलेक्ट, गो टू इंसर्ट कंपोनेंट एंड सिलेक्ट कॉपी विथ मेट। सिलेक्ट कंपोनेंट, ये पूछ रहा है आपको कौन सा कंपोनेंट कॉपी विथ मेट करना है, तो हमें ये पिस्टन करना है और इस एरो की पे प्रेस करना है। तो हमने सबसे पहले, हम यहाँ पे सेट करते हैं, तो सबसे पहले कोसेंट्रिक रिलेशन में हमने ये सिलेक्ट करना है और ये शाफ्ट सिलेक्ट करनी है, ओके। फिर से तीसरा कोसेंट्रिक एंड दिस शाफ्ट, ओके। इसको क्लोज कर दीजिए। ऊपर से हम देख लेते हैं, देखिए हमारे तीनों पिस्टन वर्क करने लगे हैं। अब हमें क्या करना है, फिर से इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे, ब्राउज फाइल, और स्प्रिंग को इंसर्ट करेंगे। तो हमें स्प्रिंग वाले पार्ट को ओपन करना है और इसका फीचर खोलना है, स्विफ्ट वाला जिसमें एक लाइन हमने क्रिएट की थी उसको शो करना है। सिलेक्ट करना है मेट, दिस डायमीटर
एंड दिस लाइन, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक. ओके, अब हमें क्या करना है, स्प्रिंग वाला जो पार्ट है उसको सिंपली राइट क्लिक करना है और आपको जाना है, सॉरी लाइन को सिलेक्ट करना है एंड एडिट स्केच. पहले हम हमारी असेंबली को सेव कर लेते हैं क्योंकि सेव किए बिना ये पार्ट हम एडिट नहीं कर सकते. शॉर्ट में लिख देते ऑयल, ऑयल पंप असेंबली, सेव. तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट शो हो रहे हैं. तो इस लाइन को, इस लाइन के पॉइंट को सिलेक्ट करना है और होल्ड कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और ये पिस्टन वाली नीचे वाली फेस को, जो लाइन अभी शो हो रही है आपके सामने, उसको सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन कोइंसिडेंट. ओके, इसी तरह से फिर से नीचे वाला पॉइंट है इसको सिलेक्ट करना है और जो पिस्टन वाला भाग है, जो हमने प्लंजर बनाई है उसका टॉप वाला जो पार्ट है, जो लाइन है, उसको सिलेक्ट करना है, वही कंट्रोल की प्रेस करके एंड सिलेक्ट कोइंसाइड कोइंसिडेंट एंड देन ओके एंड ओके. तो ये स्प्रिंग है, इसका पोजीशन पिस्टन के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है. इसे हाइड कर देते हैं लाइन को. अभी ये वर्क नहीं हो रही है. किस लिए नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें नहीं बता रहा है. तो हम जब एनिमेशन इसका सेट करेंगे, जब हम मोशन स्टडी में जाके इसको एक्टिवेट करेंगे और जब एनिमेशन में इसको प्ले करेंगे, तब ये आपको दिखेगी वर्क करते हुए. फिर से हम सर्कुलर कंपोनेंट में जाएंगे, कंपोनेंट सेट करेंगे, स्प्रिंग नंबर ऑफ पैटर्न 3 एंड सर्कुलर डायमीटर कौन सा लेंगे, ये इनर वाली एज. ओके, स्प्रिंग सेट हो चुकी है. अब हम फिर से जाएंगे इंसर्ट कंपोनेंट. इस पर हम लेंगे टॉप बॉडी, सिलेक्ट मेट एंड सिलेक्ट दिस बेयरिंग एज. Select this inside edge. फिर से सिलेक्ट करना है होल एंड दिस होल. फेस सिलेक्ट कीजिए और ये फेस सिलेक्ट करना है. ओके, तो हमारी असेंबली 75% पूरी कंप्लीट हो चुकी है. अब एक और पार्ट है जिसको हम इंसर्ट कर देते हैं.
ऑयल सील, ऑयल पंप में ऑयल सील तो सबसे पहले लगने वाली है, तो सिलेक्ट करनी है अंदर वाला ये होल और ऑयल सील का आउटर डायमीटर। फिर से ये फेस सिलेक्ट करनी है और ये फेस ऑयल सील की टॉप फेस। ओके, इंसर्ट कंपोनेंट, ब्राउज, और ये बूस। सिलेक्ट मैट, दिस होल एंड दिस डायमीटर। सिलेक्ट दिस फेस एंड दिस एज। सिलेक्ट दिस फेस एंड दिस फेस, टेंजेंट रिलेशन। ओके, फिर से सर्कुलर कंपोनेंट पैटर्न, सिलेक्ट दिस एंड दिस डायमीटर, थ्री नंबर ऑफ थ्री। अब हमें जाना है फिर से डिजाइन लाइब्रेरी में, और इस बार जाना है अनसीमेट्रिक बोल्ट एंड स्क्रू, सॉकेट हेड स्क्रू में जाना है आपको, और यहाँ पे एलन की बोल्ट हमें लगाने हैं। साइज है 12 mm, हमने 12 mm के यहाँ पे थ्रेड अप्लाई किए हैं। लेंथ होगी इसकी 60 mm, थ्रेड 36, सिमेट्रिक ओके। अब हमें एक एक करके इसकी पोजीशन पे ले जाके इसको छोड़ देना है, तो अपने आप सेट हो जाएगा। जब भी ये आइकन चेंज हो जाए तो वो उसकी पोजीशन प्रॉपरली सेट हो चुकी है, आप वहाँ पे क्लिक कर दें। इसे डिलीट कर दीजिए, एक्स्ट्रा है, सिलेक्ट करके इसको सिंपली डिलीट कर दीजिए। सर्कुलर कंपोनेंट पैटर्न, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ पैटर्न 3, और सिलेक्ट करना है दिस डायमीटर। फिर से आपको जाना है डिजाइन लाइब्रेरी में, बैक जाना है
और इस बार जाना है सेट स्क्रू सॉकेट। इसमें इस पार्ट को हम इंसर्ट करेंगे, तो इसकी साइज आपको लेनी है M24, लेंथ 20 mm, ये हेक्स है, आप हेक्स भी ले सकते हैं और एस्प्लाइन भी ले सकते हैं। इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से हो जाएगी। मैं अभी फ़िलहाल ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिमेट्रिक, ओके। ये हमें यहाँ पे सेट करना है, ओके। आप एस्केप की प्रेस कर दीजिए, मैन्युअली हम इसको सेट कर देंगे। मेट, दिस डायमीटर एंड दिस होल, रिवर्स डायरेक्शन, ओके। सिलेक्ट दिस फेस एंड दिस फेस, इस जगह पे एक होल क्रिएट करना पड़ेगा हमें, ताकि ये यहाँ से ऑयल इनपुट करेगा, लेकिन हमने यहाँ पे किया नहीं है, हम एडिट करके कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। सर्कुलर कंपोनेंट, सिलेक्ट दिस कंपोनेंट, नंबर ऑफ पैटर्न 3, सिलेक्ट दिस डायमीटर। तो हमारे सारे पार्ट एग्जैक्ट सेट हो चुके हैं। अब हम इसे एनिमेशन देंगे। तो हम पहले इसको प्रॉपर प्रॉपर जगह पे सेट कर देते हैं। आपको जाना है मोशन स्टडी में, मोटर मोटर वाला आइकन उसे सिलेक्ट करना है, और शाफ्ट का ये डायमीटर आपको सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ आरपीएम 50 RPM हम रखते हैं यहाँ पे, ओके। कैलकुलेट, अब हम प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे स्प्रिंग भी वर्क कर रही है। थोड़ा सा इसका टाइमिंग बढ़ा देते हैं, 12 सेकंड रखते हैं, फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी पूरी असेंबली तैयार हो गई है। चलिए प्ले करके देख लेते हैं इसको।
इसकी स्पीड कम कर देते हैं हम 0.5x। रोटरी मोटर में जाके एडिट फीचर, इसका आरपीएम थोड़ा हम कम कर देते हैं 25। फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी यहाँ पे असेंबली कंप्लीट तैयार हो चुकी है, जो इस तरह से वर्क करेगी। इसकी कैपेसिटी 400 टन की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अगर लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।